विजय नेगी जी का माल्यार्पण और उनका सम्मान करें। ना ना भी भी चाहिए कि वो भी बैज अलंकरण करें। ना मात दान यार, ठीक सीनियर आदमी यार। तो ओपनर जोड़ी हमारे बिल्कुल मैदान की ओर। अंपायर को पार किया, सामने है दिलवर और वाइड बॉल से शुरू। बिना बॉल के अभी एक बॉल नहीं हुई और 10 रन हो चुके हमारी टीम के जबरदस्त बॉलिंग के। 100 रन काफी मजा आ गया, फुल पैसा वसूल हो गया। 12 ओवर में 136 रन। गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। मैं हूं विजय नेगी और एक लंबे समय बाद एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। ये देख के आपको अंदाजा लग सकता है कि तुम्हारा भाई आज प्लेयर बनने वाला है, तो ये पहले टी शर्ट पर प्रिंट होगा, वो प्रिंट दिखाते हैं आपको प्रिंट करके और बढ़िया सा तब दिखाते हैं आपको कैसा प्रिंट आता है। तो क्लियर नहीं आ पाया लेकिन अभी दूसरा प्रिंट लगा रखा है और ये छपेगा टी शर्ट पे। आउटपुट रिजल्ट दिखाते हैं आपको। और मैंने भाई को 7 की जगह 8 नंबर बोला पर भाई धोनी वाला नंबर ले जा रहा। तो गाइस फाइनली मशीन के अंदर टी शर्ट डाल चुका हूँ मैं प्रिंट करने के लिए और अभी ये मशीन धीरे धीरे टेम्परेचर बनाएगी। टेम्परेचर चाहिए कम से कम 350 का टेम्परेचर चाहिए, तब जाके प्रिंट क्लियर आ पाएगा। इंतजार करने के बाद टेम्परेचर बन चुका है 320 डिग्री और अब टाइमर 100 सेकंड का लगा रखा है, तो यहाँ से नीचे धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है। टी शर्ट प्रिंट करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चांदनी डिजिटल फोटोग्राफी मेन मार्केट कर्णप्रयाग, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल पहाड़ों में हर जगह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। तो आप भी अगर ऐसे टी शर्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर रहे हैं हमसे, चांदनी डिजिटल फोटोग्राफी मेन मार्केट कर्णप्रयाग। और साथ ही साथ हमारी चाय भी पहुंच चुकी है गर्मा गर्म और भाई का आज मैच देखेंगे हम यूट्यूब लाइव। गाइस अब फाइनली आउटपुट रिजल्ट दिखाते हैं आपको। मशीन टाइमर साउंड करेगी, साउंड आ चुकी है और इसको मशीन ऑफ करेंगे और अब फाइनली आउटपुट रिजल्ट दिखाते हैं आपको बढ़िया वाला। ये देखो, ये कागज हटाएंगे और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा और छप गई शतक वीर भाई की टी शर्ट। और अब पहन के दिखाते हैं आपको बढ़िया करके। और ये है टी शर्ट, ये हो गया प्लेयर तैयार। शतक वीर तो शतक तो लगेगा ना लगेगा, वो तो टच में नहीं है लेकिन पूरा जब हम अपने टाइम पे क्रिकेट खेला करते थे तो गांव और शहरों में हमारे नाम की चर्चा हुआ करते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे उस फील्ड से हट चुके हैं, अपने काम में बिजी हो चुके हैं, तो इस वजह से जैसे भी रहेगा मैच सिर्फ इंजॉय के लिए। फाइनली लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं किमोली गांव में, गाड़ी पार्क कर चुके हैं और पारतोली रह जाता है यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा, दिख रहा होगा सामने छोटा सा गांव। इस प्यारी सी लोकेशन पे पारतोली गांव वालों ने मैच का आयोजन किया है, तो काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा पैदल रास्ता रह गया है। तो फाइनली ग्राउंड में हम पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पर टॉस होने की प्रक्रिया होगी अब धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे और फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारी अब ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में। और हमारे साले शुरू साले विजय नेगी जी का माल्यार्पण और ध्वज अलंकरण होना है, तो हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि उनका माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। ना ना भी 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 चाहिए भाई लागन यार, साथ ही चलो बस लो बैज टन लगा दो। मैं समझ जैसे अनुरोध है कि वो भी बैज अलंकरण करें। अरे यार ठीक सीनियर आदमी यार,
और मुख्य अतिथि ग्राउंड के ओर तो पहले टॉस जीत चुके हम और पहले हम करेंगे क्या बैटिंग और इतने रन बनाएंगे आज इतने रन बनाएंगे पारतोली के इस ग्राउंड पे जब तक किसी ने नहीं बनाया आज तक तो मैच दिखाते आगे चलो चलो तैयार हो चलो गाइस चलो गाइस दिशारा के सपोर्टर भी अपने पीछे सारे चलो ओपनर जोड़ी हमारी बिल्कुल तैयार होते हुए दिलवर सिंह और प्रियांशु के रूप में दिखेगी ओपनर जोड़ी और ग्राउंड में फील्ड सज चुकी है लगभग और इन लोगों का जाना बाकी ओपनर जोड़ी हमारी बिल्कुल मैदान की ओर विपक्षी टीम पूरी टीम सजा पूरी फील्ड सजा चुकी है और स्ट्राइक पे होंगे दिलवर सिंह पहली गेंद देखते हैं दिलवर और नॉन स्ट्राइक पे जा रखे हैं प्रियांशु और वाइड बॉल से भागो 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 बिना बॉल के अभी एक बॉल नहीं हुई और 10 रन हो चुके हैं हमारी टीम के जबरदस्त बॉलिंग कहे या जबरदस्त बैट्समैन कहे इसमें तारीफ करनी होगी बॉलर की 10 रन दे चुका है बिना गेंद के तगड़ा कर दिया दिलवर सिंह ने 3 चौके लगातार अभी मात्र 3 बॉल हो रही है रन का तो हाँ 10 और 22 रन तगड़ा खेल दिया दिलवर ने 3 चौके लगातार पहले ओवर में 29 रन बन चुके हैं लोंडो ने कमाल कर दिया 4 चौके लगा दिए और 10 पहले बन चुके थे तगड़ा ही मैच हो गया 29 रन पहला ओवर और एक चौका और काफी तगड़ा चौका मारा प्रियांशु ने स्टेड में बिल्कुल यार और पहला विकेट हमारा प्रियांशु वापस लौट चुका है काफी तगड़ा खेल रहा था लेकिन बॉल ने धोखा दे दिया यार पहली बॉल साहिल के लिए चलो ठीक है काफी अच्छा स्टॉक खेला साहिल ने और बाकी व्यू देख सकते हो ये रहा पारतोली गांव और ये सामने रहा किमोली गांव पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा ड्रोन शॉट किमोली गांव की गटा गटा 50 रन 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 50 रन बन चुके हैं हमारी टीम के और 4 रन शाबाश 2 चौके फिर लगातार चौथे ओवर में एक बार फिर 4 रन 3 चौके लगातार दिलवर के बल्ले से एक बार फिर चौथी बॉल और वाइट 3 लगातार बाउंड्री खा चुका है शुरू और जसारा शुरू इसको जानते होंगे तुम जसारा का शुरू है ये 3 चौके 2 चौके और 1 छक्का खा चुका है बहुत ही तगड़ी शॉट एक बार फिर खेत जरूर बाधक बनते हैं पहाड़ों में चौथा ओवर प्रगति पे और 66 रन बन चुका है और काफी लंबी शॉट जरूर मारी है कैच का मौका था लेकिन कैच छूट चुका है बढ़िया 5 ओवर 69 रन और 1 विकेट अभी प्रियांशु के रूप में तावर तोड़ छक्का साहिल चौधरी द्वारा 80 रन शाबाश काफी अच्छी बॉल है अच्छा सामान दिलवर से पा रहे हैं तगड़ा ही शॉट एक बार फिर यार फिर वाइड बॉल ये थी बहुत सटीक वाली बॉल यार
कल की अपील आठवां ओवर प्रगति पे है ना अभी आठवां और 100 रन कंप्लीट हमारे खेल गया लौंडा खेल गया छक्का जीत हुएगा भैया अरे भैया बना दो यार भैया बना दो काफी मजा आ गया फुल पैसा वसूल हो गया 12 ओवर में 136 रन और 137 रन का टारगेट 12 ओवर में और कुछ इस प्रकार की जर्सी आज की ये दुबे जी हेलो भैया लंबी बॉल पे झुकते लियो बैंगर भाग भाग तो गाइस टीम ने कमाल कर दिया पूरे पूरे 70 रनों से जीत चुके हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रियांशु के विकेट 3 विकेट नहीं और 2 विकेट मेरे और बाकी ऋतु 2 विकेट बढ़िया मजा आ गया फुल पैसा वसूल हो गया और अब बाकी चाय पानी पीते हैं और निकलने की यहां से तैयारी करने पे आके और इसका यार दिलूगी और आज का मैन ऑफ द मैच दिलवर सिंह नेगी ले रहे और चलते चलते लास्ट टाइम की एक चाय पारतुली गाँव में और पुंडीर जी मनीष पुंडीर जी हमारे गाइस फाइनली खुशी के साथ हम पारतोली गांव से निकल चुके हैं क्योंकि वैसे तो बहुत कम टाइम मिलता है क्रिकेट खेलने का ये गांव के नज़दीक था तो सारे गांव के लौंडे आ रखे थे और बढ़िया करके मैच भी जीत चुके हैं हम और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड लगभग साल का ये हो सकता है लास्ट ब्लॉग होगा तो आप लोगों के लिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2024 की ढेर सारी बधाइयाँ आपको अग्रिम बधाइयाँ ढेर सारी बधाइयाँ आपको और आपके पूरे परिवार को और इस ब्लॉग